जी बेटा ये चैप्टर नंबर 6 बेटा जी पैराग्राफ नंबर 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बेटा ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कायदे आजम वाज अ मैन, कायदे आजम एक आदमी थे, ऑफ स्ट्रॉन्ग मजबूत फेथ ईमान वाले एंड बिलीव और यकीन। कायदे आजम मोहम्मद अली जना एक यकीन वाले और ईमान रखने वाले आदमी थे या इंसान थे। ही फर्मली बिलीव्ड, आपका फर्मली पुख्ता बिलीव्ड एतमाद था, आपका पुख्ता एतमाद था दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान की बनने वाली नई रियासत जो है बेस्ड उसका एहनसार होगा ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स इस्लामी असूलों पर। आपका यह पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान की बनने वाली नई रियासत का एहनसार इस्लामी असूलों पर होगा, वुड रिफॉर्म जो बदल देगा इस्लामी असूलों पर होगा और जो बदल देगा द सोसाइटी मुआशरे को एज अ होल मुकम्मल। आपका इस बात पर यकीन था कि मुसलमानों की बनने वाली नई रियासत जो है बनने वाली रियासत जो है रियासत पाकिस्तान जो है उसका बुनियाद वो उसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर होगी और जो पूरे माशरे को मुकम्मल तौर पर बदल कर देगा। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945 जो आपने सितंबर 1945 में पैगाम दिया, कायद आजम सेड, कायद आजम ने कहा इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड, इस्लाम इज अ कंप्लीट, इस्लाम एक मुकम्मल कोड जाबता है रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, जो मुकम्मल पूरे मुस्लिम मुआशरे की रहनुमाई, इस्लाम एक मुकम्मल जाबता हयात है जो पूरे इस्लामी माशरे की रहनुमाई करता है या पूरे इस्लामी माशरे का को अपनी हदूद में लेता है। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हर शोबा या जिंदगी के हर शोबे में कलेक्टिवली इज्तमाई तौर पर भी एंड इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर। तो कायद आजम ने अपने ईद के पैगाम जो उन्होंने 1945 में दिया, उन्होंने कहा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो माशरे में इज्तमाई और इनफरादी शोबों में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात रखता है या मुकम्मल रहनुमाई करता है। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, मजीद कोई मसला होगा।